दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों को अभिवादन करता हूं। और आज मैं जहां से आपको वीडियो दे रहा हूं वह एक बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जगह है। यह स्थान है मध्य प्रदेश में निवाड़ी ज़िले में सागर सतारा गांव है। एक सतार नदी बहती है, उस सतार नदी के किनारे तट पर कभी 1924 में हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर अज्ञातवास के रूप में आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया था। उन्होंने इस सतार नदी के तट पर यहाँ पर रहे और वहाँ पर ये हरि शंकर नाम से ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पर रहते थे। उन्होंने यहाँ पर अपना बहुत लंबा समय व्यतीत किया। वहाँ यहाँ पर रहते हुए उन्होंने सतार नदी के तट पर एक छोटा सा कुआं बनाया और उस कुएं से वह पानी निकालते थे। उनका वह बिस्तर, उस कुटिया, वह जिसे हम क्रांति तीर्थ के नाम से जानते हैं, वह भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस पर उनका मिट्टी का बिछौना है, मिट्टी का तकिया बना रखी थी और बगल में ही एक मंत्रणा करने के लिए उन्होंने एक बिस्तर लगा रखा था जहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर वो रहे। यहाँ से अंग्रेज रेजिडेंस जो झांसी थी वो 7 से 8 किलोमीटर के बीच में थी और ओरछा की जो रेजिडेंस थी वो भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर रहते थे अज्ञातवास में, एक ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। बाद में जब रेजिडेंस को अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने छापा मारा और वो यहाँ से निकल गए। आज मैं आपको इसी स्थल पर लेके आया हूँ, आप देखिए वह क्रांति स्थल। ये वह कुटिया है जिस कुटिया के अंदर वह रहते थे। आप यहाँ देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ लेटते थे। मिट्टी का बिछौना है इस बिस्तर पर, जिस पर ये इस बिस्तर पर लेटते थे, क्या दिख रही है। और यहाँ उनके साथ जो लोग आते थे यहाँ पर बैठकर वे अपने साथियों के साथ, यहाँ भी आज क्रांतिकारियों की फोटो लगा रखी। आप इस चित्र में देख रहे हैं बहुत से क्रांतिकारियों की कुटिया फोटोएं लगी हुई हैं। ये वह कुटिया है, हालांकि अब इसका मॉडिफाई कर दिया गया है। उस समय ये बांस और फूस की कुटिया हुआ करती थी। ये लिखा हुआ चंद्रशेखर आजाद की कुटी कीर्ति तीर्थ के नाम से आज हम इसको सभी जानते हैं। ये वह बिछौना है जहाँ पर वो, मतलब वह बिस्तर है, मिट्टी की ही उन्होंने चारपाई बना रखी थी और मिट्टी की ही उन्होंने ये तकिया बना रखी थी जिस पर वह यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर लेटते थे, रात विश्राम करते थे। यह वह दिव्य, यह क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ है क्रांतिकारियों का जिसे हम आज़ाद कुटी के नाम से जानते हैं। यह वह बिछौना है, आप देख रहे हैं कि इस बिछौने में तकिया रखी हुई है। सलाम करते हैं उनके जज्बे को, सलाम करते हैं उनके देशभक्ति को जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह पूरा बिस्तर दिख रहा है आपकी, तकिया चार दरवाजे ठीक सती हुई। ये उनकी कुटिया के बाहर का चित्र ये देख रहे हैं। अब ये जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मंदिर के पीछे बनाया गया है, यहाँ पे ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। ये कुटिया है, कुटिया का पिछला भाग है, जो पिछले भाग में आप देख रहे हैं पीछे जंगल हुआ करता था। ताकि अब यहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कुछ, लेकिन वस्तु स्थिति आप ये कहना चल सकते आजाद की कुटिया, नदी का तट, हाँ नदी के तट पर ही ये कुटिया है, इसी कुटिया पर रहते थे। यहाँ वो कुटिया बना कर रहते थे। देख क्या हो, इसमें मिट्टी बिछौना लगा हुआ है और वो पंजा लड़ाने के बहुत शौकीन बनी हुई है। हर व्यक्ति को पंजे लड़ाते थे और सबको हराते थे। जब उन्होंने सरपंच को हराया तो उसी स्तर पर कि यह कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, यह कोई साधु नहीं हो सकता है, यहीं पर लेटते थे। और उसने उसको शक होने के आधार पर चंद्रशेखर को लगा कि हम शायद फंस सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से निकल गए। ये सतार नदी के तट पर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी जिसकी वे पूजा करते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ब्रह्मचारी थे इसलिए हनुमान जी की पूजा करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ एमपी पुलिस के सिपाही बैठे हुए हैं और एमपी पुलिस की गाड़ी खड़ी है और सिपाही हैं। ये आप मंदिर से प्रसाद लेके ये सबको वितरण कर रही हैं। कृतिका सिंह हैं, ये वो पवित्र जगह है जहाँ कभी चंद्रशेखर आजाद और रोहित यहाँ रहे थे। आपको ये जो हैंडपम्प उनके द्वारा खोदा गया कुआं, ये उन्होंने चंद्रशेखर आजाद अकेले खोदा था। उस समय हैंडपंप की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पानी का स्तर, जल स्तर ऊपर रहा होगा तो उन्होंने कुआं अकेले खोद दिया था। देखिए धीरेन्द्र सिंह ये छोटा सा कुआं उनके द्वारा ही खोदा गया है, उसको हटाकर वो आपको दिखा रहे हैं कि कितना वो गहरा कुआं था और जो उन्होंने अकेले पानी पीने के लिए बनाया था। ये कुआं अकेले खोदा था ना वैसा उन्होंने। अब आप देख लीजिए, ये है देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का अज्ञातवास।